ये आधा किलो गाजर हमने धो के ले लिया है। गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले हम गाजर छिलकर काट लेंगे। दोनों तरफ से डंठल काटेंगे। सर्दियों का मौसम है और बाजार में लाल लाल गाजर मिल रही होती है। इन्हीं गाजर से हम मुरब्बा बना रहे हैं। रोज़ाना गाजर खाने से जिस्म को तरोताज़गी मिलती है और खून भी बढ़ता है। तो गाजर का लाल लाल मुरब्बा आसानी से घर पे ही बन जाता है। ये छिल के गाजर तैयार है। और गाजर के हम ऐसे 1 इंच के करीब टुकड़े काटेंगे। आप अपनी चॉइस से भी टुकड़े छोटे बड़े काट सकते हैं। और इसी तरह से सभी गाजर के टुकड़े कर लेंगे। हमने सभी गाजर के टुकड़े काट लिए हैं। अब हम इन गाजर को फोर्क कर लेंगे ताकि ये अंदर तक सॉफ्ट स्पंजी बने। और ये ध्यान से करना है ताकि हमारे हाथ में न लगे। इसी तरह से सारी गाजर को फोर्क कर लेंगे। ये सारी गाजर हमने फोर्क कर ली है, देखिए। अब सारी फोर्क की हुई गाजर को एक बर्तन में डाल देंगे और इसमें इतना पानी डाल रहे हैं कि गाजर अच्छे से डूब जाए। गैस ऑन करके बर्तन रख देंगे और हाई फ्लेम पे ढक के एक उबाल आने देते हैं। एक उबाल आने के बाद इसे चला लेंगे और फ्लेम भी मीडियम कर लेंगे। हम नाइफ़ की मदद से देख सकते हैं गाजर सॉफ्ट हुई कि नहीं। गाजर सॉफ्ट हो गई है। अब इसी में हम चीनी डाल देंगे। अलग से चाशनी तैयार नहीं करेंगे। इसमें और पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। गाजर जूसी है, इसका ही पानी रिलीज़ होता है। 2 मिनट पकने देते हैं। इसमें हल्के से फ्लेवर के लिए ग्रीन कार्डमम डाल रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चाशनी अभी नहीं बनी है। हमें इसे और पकाना है कि चाशनी गाढ़ी हो जाए। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट गाजर का मुरब्बा तैयार हो चुका है। चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। अगर चाशनी पतली लगे तो इसे और पकाएं। गाढ़ी चाशनी से मुरब्बा जल्दी ख़राब नहीं होता और काफ़ी दिन तक इसे खा सकते हैं। गैस ऑफ कर देंगे। ठंडा होने पे मुरब्बा सर्व करते हैं। गाजर के मुरब्बे का काफ़ी अच्छा कलर आया है और मुरब्बे की चाशनी भी परफेक्ट है। तो हमारा गाजर का हेल्दी मुरब्बा बनके तैयार है। रोज़ाना इसे खाएं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होंगी। मेरे चैनल कुक विद निक्षी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।